अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, मैं हूँ साजिदा पाशा और आप देख रहे हैं साजिदा पाशा व्लॉग्स। तो आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को कहाँ लेकर जा रही हूँ? आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ जी अकबरी मंडी में। वहाँ से हमें रमजान के लिए राशन पैकेट्स बनाने हैं, तो उनके लिए स्टॉक लेके आना है, इन्ग्रीडियंट्स लेके आने हैं, क्या क्या चीजें उसमें डालनी है वो सब लेके आना है। उसमें चावल होंगे, घी होगा, दाल होगी, चीनी होगी और रूह अफजा, चाय की पत्ती, माचिस और खजूरें वगैरह सारी चीजें ये हम डालेंगे। तो इंशाल्लाह आपको भी साथ साथ दिखाऊंगी, अगर किसी ने पैकेट्स बनाने हैं उसको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपको भी सबको मिल जाए। तो जी चलते हैं अकबरी मंडी और वहां से लेके आते हैं सारी चीजें और किस तरह खरीदते हैं, क्या क्या उनके रेट्स हैं, सब चीजें बताएंगे आपको। चलते हैं अकबरी मंडी। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, घर से हम रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले घर से रवाना होने की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अब सफ़र पर रवाना होने की दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, अकबरी गेट हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं पार्किंग वगैरह और यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, फिर आपको मार्केट में लेके चलते हैं। वहाँ पे आपको चावल की क्वालिटी दिखाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें सब बताते हैं। तो यहाँ पे जी अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए साथ साथ जगह देख रहे हैं और साथ साथ आपको मार्केट दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखें जी, ये करीब तरीन हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अपनी गाड़ी को फाइनली पार्क करते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं मार्केट के अंदर। और यहाँ पर जी सबसे पहले चावल की क्वालिटी को देखते हैं। तो यहाँ पे जी हमें ये देखें सेला चावल भी नज़र आ रहे हैं, कायनात स्टीम वाले भी हैं, बासमती चावल भी हैं और बहुत सारी वैरायटी है। तो यहाँ पे जी आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ और साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। तो ये सेला चावल जो है ये आपको 12,000 रुपये की बोरी दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ ये दूसरे चावल, ये देखें ये स्टीम वाले चावल हैं, ये 15,000 रुपये की बोरी दे रहे हैं। और ये जो है ये दूसरे स्टीम के बगैर वाले चावल हैं और ये भी स्टीम वाले चावल हैं, ये 14,000 रुपये की बोरी थी। और यहाँ पे जी आपको और भी क्वालिटी दिखा देती हूँ। इस तरह 14, 15 और 13,000 रुपये की रेंज में ये चावल थे, 12,000 वाले भी थे। और ये आपको सारी की सारी क्वालिटी इनकी दिखा देती हूँ। इस तरह इन्होंने स्टॉक रखा हुआ अपने पास और ये आपको अंदर का व्यू भी दिखा देती हूँ कि इनके पास इस तरह बोरियाँ मौजूद हैं, जितनी भी चाहिए आपको मिल जाती हैं। और ये हम दूसरी शॉप पे आए तो यहाँ पे देखें जी इस तरह इन्होंने सैंपल्स रखे हैं और साथ साथ प्राइसेस भी मेंशन की हुई हैं। तो ये 12,100 रुपए के हैं और ये जो स्टीम वाले चावल हैं ये 12,700 रुपए में है। साथ साथ प्राइस भी मेंशन की हुई है और उनके नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं और साथ साथ आपको सैंपल्स भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखे जी ये 12,900 रुपए में और साथ इसका नाम भी मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे इनके पास जी दालें वगैरह भी बहुत सारी थी, हर तरह की इनके पास चीज़ें थी। तो ये इन्होंने इस तरह सैंपल्स रखे हुए और साथ साथ इनकी प्राइसेस मेंशन की हुई है, जिससे बहुत ही आसानी हो जाती है इंसान को ख़रीदने में। और यहाँ पे चावल की और भी आपको क्वालिटी नज़र आ रही है, सैंपल्स इस तरह इन्होंने रखे हुए हैं, जो भी आपने देखना सैंपल देखें और प्राइस भी ऊपर मेंशन है। और 50 किलो की बोरी की ये प्राइस है। तो यहाँ पर ये भी आपको दिखा दिया, ये चीनी वगैरह की बोरियाँ भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी देखें जी बहुत सारा स्टॉक इनके पास मौजूद है, घी वगैरह भी आपको मिल जाता है, चीनी, दालें, चावल, हर तरह की वैरायटी यहाँ से मिल जाती है। और एक ही शॉप से आप सारे की सारी चीज़ें लेके जा सकते हैं। और यहाँ से देखें जी ये अनलोड माल हो रहा है, ये भी आपको साथ दिखा रही हूँ। यहाँ से लोग बाय करते हैं और इनका खुद का भी माल आता है। तो यहाँ पर जी हम पंजाबी स्टोर पर भी पहुँचे हैं और यहाँ पर वो हदर राइस भी है, यहाँ पर साथ साथ वो भी दिखाते हैं। और ये जी इधर से प्राइस का पता करते हैं, आपको स्टॉक वगैरह भी सारा दिखा रही हूँ, चावलों की बोरियाँ भी दिखा रही हूँ कि जो इन्होंने इस तरह स्टोर की हुई हैं और साथ साथ सेल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही तादाद में चावल वगैरह की क्वालिटी नजर आएगी। ये सैंपल्स वगैरह भी दिखा रही हूँ जो इन्होंने इस तरह मेंशन किए हुए हैं, इनकी प्राइसेस भी ऊपर मेंशन है। तो ये देखें जी यहाँ पे आपको सारे के सारे प्राइसेस भी नजर आ रही हैं, क्वालिटी भी नजर आ रही है, आपको किस तरह की क्वालिटी चाहिए, स्टीम वाले चाहिए, स्टीम के बगैर चाहिए, सेला चावल चाहिए या कौन सी वरायटी चाहिए। सवेरा भी इनके पास मौजूद है, याकूत भी इनके पास है, जराफा भी है, हर तरह के इनके पास चावल मौजूद है। तो ये साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ, साथ साथ दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको भी देख के पता चल जाए। तो हमें जी कायनात 11-21 स्टीम वाले चावल चाहिए, तो वो भी हमने पता किया, उसके भी बिल्कुल मुनासिब रेट है। और वो और भी देखते हैं और कहाँ से हमें सस्ते तरीन मिलते हैं, वो सारे के सारे देखते हैं और फिर ओके करते हैं। तो यहाँ पे इनके पास दालें वगैरह भी मौजूद थी जो इन्होंने इस तरह सैंपल्स वगैरह लगाए हुए और उनके नाम भी लिखे हुए ऊपर। और दाल की भी 2-3 वैरायटी होती है, चने भी आपको मोटे बारीक हर तरह के मिल जाते हैं। दाल जो है हमें सुच्चे मोती चाहिए तो वो देख रहे हैं, जैतून भी होती है, सफ़ेद जैतून होती है, गोल्डन जैतून होती है, यानी बहुत सारी इनकी क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हमें जी चने की दाल और सफ़ेद चने और इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो ये जी हम चावल वगैरह और देख रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाए और हमने कौन से लेने हैं ओके करने हैं तो वो हमें बहुत ही आसानी हो जाए। तो ये साथ साथ आपको चावल की वैरायटी दिखा रही हूँ और साथ साथ आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर जी बहादुर राइस ट्रेडर्स है, इनके पास भी बहुत ही अच्छी प्राइसेस में चावल वगैरह थे। तो यहाँ पे ये
ये देखें सैंपल्स वगैरह इस तरह इनके पास मौजूद हैं, साथ साथ प्राइसेस भी इन्होंने मेंशन की हुई है, ये भी देखते हैं। और ये साथ साथ यहाँ से माल अनलोड हो रहा है, तो ये भी मैंने कहा चलो आपको क्लिप दिखा देती हूँ, बाजार का व्यू साथ। और यहाँ पे ये देखें जी सामान वगैरह अनलोड कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इस तरह रश होता है। और ये मार्केट का पूरा व्यू दिखा रही हूँ, कितने रश में आके इंसान यहाँ से ख़रीदारी करता है। और यहाँ पर जी आपको चावल की अगेन क्वालिटी दिखा देती हूँ, स्टीम वाले चावल भी इनके पास मौजूद हैं, क्लासिक, पैंथर, और इनके पास सेला चावल भी मौजूद हैं। इनकी प्राइसेस भी ये देखें 11,800, 16,200, और ये साथ साथ इनके नाम भी मेंशन है, प्राइसेस भी मेंशन है, जिससे इंसान को बहुत ही आसानी हो जाती है। टूटा हुआ चावल भी यहाँ से आपको मिल जाता है, साबुत भी मिल जाते हैं, स्टीम वाले, स्टीम के बगैर, बासमती चावल, सेला चावल, और बहुत ही वैरायटियाँ होती हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, सैंपल्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह ये दालें वगैरह भी हैं, ये किसी के पैकेट्स बनाए हुए थे। और ये साथ आपको अकबरी गेट का बोर्ड भी दिखा रही हूँ, और यहाँ पे जी बाजार का रश भी दिखा रही हूँ। मार्केट का पूरा व्यू देख लें, इस तरह ट्रैफिक भी है, बहुत ही रश होता है, और यहाँ पे इसी तरह मज़दे लगे होते हैं, और लोगों का माल जा रहा होता है और आ रहा होता है, और साथ साथ ये अनलोड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह रश होता है। और यहाँ पे अगेन आपको चावल की क्वालिटी दिखा देती हूँ, तो ये जी इस तरह बहुत ही आसानी हो जाती है जब आपको नाम लिखे हुए और प्राइसेस साथ मेंशन बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको घी वगैरह भी दिखा देती हूँ, और इनके पास जो स्टॉक मौजूद होता है वो भी सारा का सारा दिखा देती हूँ, और बहुत ही आसानी होती है। और ये शायद आज भी घी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर जी साथ साथ आपको मार्केट का व्यू दिखा रही हूँ, ये पंजाबी स्टोर पर आप रश देख लें, और दूसरे स्टोर पर ये हमने पता किया ये खजूर वगैरह का, ईरानी खजूर, और यहाँ पर जी ये आपको 1,000 रुपये की किलो मिल रही है। ये इनके पास बहुत ही ज्यादा स्टॉक था, यहाँ पे इनके पास रूह अफजा भी मौजूद थी, इसकी भी प्राइस पूछी है, और 450 रुपये की एक रूह अफजा की बोतल थी। तो ये दी आपको खजूर की और वैरायटी दिखा रही हूँ, ये रुबई इनके पास मौजूद थी, रुबई खजूर जो थी ये इनके पास 800 रुपये किलो थी, और ये जो ईरानी थी ये 400 रुपये किलो यहाँ पे मिल रही थी। यहाँ मार्केट के अंदर भी जाते हैं और आपको ये भी दुकानें दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये जी मसाले वगैरह भी थे, हमने कुछ घर के लिए भी बाय करने थे, और ये साथ साथ आपको रश दिखा रही हूँ, और इसी तरह आमदोरफ्त होती है। और यहाँ पे आपको साथ साथ का व्यू भी दिखा रही हूँ मार्केट के अंदर का, और यहाँ से मसाले वगैरह हम परचेज़ करते हैं। तो ये मैं मसालों वाली शॉप पर खड़ी हूँ, और यहाँ पर आपको साथ साथ दिखा रही हूँ व्यू। इनके पास ड्राई फ्रूट्स भी थे, मसाले भी थे, जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं बहुत ही आसानी और अच्छे रेट्स के साथ मिल जाती हैं। तो ये भी आपको सारी दिखा दिया, और अगेन आपको ये मार्केट का व्यू दिखा रही हूँ कि इस तरह बहुत ज़्यादा रश है। हमने माचिस वगैरह का भी रेट पता करना था, तो ये माचिस वगैरह का भी पता करने के लिए आई हूँ। और ये जो एक पैकेट है 10 माचिस वाला, वो 30 रुपये का हमें मिल रहा है। तो ये जी आपको इनकी शॉप का भी व्यू दिखा रही हूँ, चाय की पत्ती वगैरह भी इनके पास से मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जी आपको और भी चीज़ें साथ साथ दिखाती है, और ये माचिस जो हमने पता किया है ये भी हमें पसंद आ गई है। यहाँ पर चावल की आपको और वैरायटी और क्वालिटी दिखा देती हूँ, इनके पास भी बहुत ही अच्छी चावल की वैरायटी थी। और इनके पास ये देखें टूटा हुआ चावल भी है, साबुत चावल भी है, हमें तो साबुत चावल चाहिए और स्टीम वाला चाहिए, और ये जी इनके पास बहुत ही ज़्यादा तादाद में वैरायटी मौजूद है। तो ये आपको करीब से भी दिखा रही हूँ, ये टूटा हुआ चावल है, स्टीम के बगैर चावल है, स्टीम वाले चावल जो होते हैं थोड़े येलो शेड में होते हैं। और ये जी आपको पूरी की पूरी दुकान का व्यू दिखा रही हूँ, इनके पास ये स्टॉक आप देख लें बहुत ही माशाल्लाह ज़्यादा है, और ये ज़राफ़ा चावल भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये भी आपको साथ साथ दिखा दिया ताकि आपको भी देख आसानी हो जाए, और आपने जो बाय करने हो आपको भी इजीली मिल जाए। तो ये चावल की क्वालिटी भी देख लें, बहुत ही अच्छी है, और ये स्टीम वाले चावल हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, और ये स्टीम के बगैर वाले चावल हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। आपको डिफरेंस खुद भी नज़र आ रहा होगा कि वाइट चावल हैं और येलोइश चावल हैं, जो येलोइश हैं वो स्टीम वाले हैं, जो वाइट हैं वो स्टीम के बगैर हैं। और ये आपको मार्केट का व्यू दिखा रही हूँ, यहाँ पे इस तरह ये सामान वगैरह अनलोड हो रहा है, तो मैंने कहा चलें आपको ये भी व्यू दिखाती हूँ। और ये देखें जी इस तरह मज़दे भर के लेके जाए जा रहे होते हैं सामान के साथ, और फाइनली हमने भी डिसाइड कर लिया और माल वगैरह का जो ओके करना था कर लिया, और यहाँ पर हमारा भी सामान लोड हो रहा है और ये पिकअप वगैरह में डाला जा रहा है। तो ये जी हमने दाल भी खरीद ली और ये सामान को हमने पैक कर लिया और यहाँ से लेके चलते हैं घर। पूरी मार्केट को फिरने के बाद फाइनली हमने डिसाइड किया और जो जो चीज़ें चाहिए थी वो ले चुके हैं, और यहाँ पे जी फाइनली पिकअप हमारे घर में आ चुकी है और यहाँ पे सामान को उतारा जा रहा है। तो ये साथ साथ आपको ये भी क्लिप दिखा रही हूँ कि इतनी मेहनत के बाद सामान को खरीदा गया और यहाँ पे जी फाइनली रख लिया गया है, और इंशाल्लाह अब जो पैकेट्स वगैरह तैयार करेंगे वो भी आपको वीडियो में दिखाए जाएंगे कि किस तरह उसमें भी मेहनत होती है और किस तरह आप लोगों की हेल्प होती है। और ये सारे का सारा व्लॉग आपको इसलिए दिखाया गया कि किस तरह मेहनत करके ये काम किया जाता है, और आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई गई, और आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि बनाती रहूं जिससे आपको आसानी हो और आपके लिए भी हेल्पफुल हो।
जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि अकबरी मंडी वाला व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इस तरह के मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियोज आपको देखने को मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।